नमस्कार दोस्तों, आज भी पृथ्वी पर रह रहे हैं हनुमान जी, जो कि श्री राम के साथ लौटना चाहते थे स्वर्ग में, जाने क्यों। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में केवल प्रभु श्री राम की मदद करने के लिए शिव जी हनुमान जी के रूप में धरती पर आए थे। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी संसार में अमर हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने अमरत्व का वरदान किससे प्राप्त किया था, इसका राज क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है। उसमें लिखा है कि लंका पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इसके बाद भी जब माता सीता नहीं मिली तो हनुमान जी ने उन्हें मृत मान लिया, लेकिन तभी उन्हें प्रभु श्री राम का स्मरण हुआ और दोबारा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता को खोजना शुरू किया। तब जाकर अशोक वाटिका के अंदर ही उन्हें सीता माता मिल गई। इस बात पर ही सीता माता ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। तब से लेकर आज तक हनुमान जी धरती पर ही श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। हालांकि प्रभु श्री राम का धरती पर रहने का एक निश्चित समय था, यह पहले से ही तय था कि धरती पर अपने काम को पूरा कर वह वापस स्वर्ग लौट जाएंगे। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। हनुमान जी सीता माता के पास गए और उनसे पूछा, उनके प्रभु जब धरती पर रहेंगे ही नहीं तो उनका यहाँ क्या काम है। हनुमान जी जिद करने लगे कि उनसे अमरता का वरदान वापस ले लिया जाए। माता सीता हनुमान जी की इस स्थिति को देखकर प्रभु श्री राम का ध्यान कर उन्हें वहाँ बुलाती हैं। श्री राम कुछ देर में वहाँ प्रकट होते हैं और हनुमान जी को गले लगाते हैं। प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि धरती पर एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पापी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और उस परिस्थिति में कोई भी देवता यहाँ अवतार लेकर नहीं आएंगे। ऐसे में राम भक्तों का बेड़ा पार उन्हें ही लगाना होगा। प्रभु के समझाने पर हनुमान जी अमरता के वरदान को समझ पाते हैं और इसे प्रभु श्री राम की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। इस वजह से कलयुग में भी जब कोई मुसीबत में पड़कर सच्चे मन से प्रभु श्री राम को याद करता है तो हनुमान जी उसकी मदद करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।